नमस्कार, मनोज म्यूजिंग्स चैनल में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, रूहानी प्रेम, प्यार, मोहब्बत एक ऐसा कभी न खत्म होने वाला जज्बा है जिसके लिए समय की चार दीवारी, जिस्म की गैर मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती। रूह का रूह से रिश्ता, प्लेटोनिक लव। दोस्तों, अमृता प्रीतम जी से तो आप वाकिफ ही होंगे। अमृता जी हिंदी व पंजाबी साहित्य की देदीप्यमान लेखिका व कवयित्री थी, जिनका प्रेम संबंध इमरोज से रहा। इमरोज पेशे से चित्रकार थे, जिनसे अमृता अपनी एक किताब के कवर डिज़ाइन के सिलसिले में मिली थी। हालांकि अमृता जी का प्रथम प्यार तो साहिर जी थे, किंतु इमरोज जी से परिचय के बाद उनका यह संबंध अगाध अटूट प्रेम में बदल गया। प्रेमीजन अपने प्यार को रंग बिरंगे फूलों में, भंवरों की गुनगुन में, चिड़ियों की चहचहाट में, नदियों की कलकल में, हवाओं की सरसराहट में, बूंदों की टपटप में महसूस करते हैं। ऐसा प्यार जो जिस्म की मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। ऐसे ही प्यार को दर्शाती अमृता जी की है कविता मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। पेश है, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमय लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा, यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी। तो दोस्तों, यह था अमृता जी का अटूट विश्वास कि वह अपने प्रेमी से अपने मृत्यु के बाद भी अवश्य मिलेंगी। आशा है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आगे आप क्या सुनना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर मुझे बतलाएं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मिलते हैं, फिर किसी नई रचना के साथ।